हमारे साथ है 28 नवंबर की भेंट। यस सर। कौन कौन लाइव है? हम सर। कौन कौन लाइव है? सब सर। सब लाइव है? यस सर। तो ये बताइए, आज हमारी क्लास तीसरा दिन था हमारा। Yes, तो तीसरे दिन में आज कौन सी क्लास थी? आज हमारी मॉर्निंग से फोर जी निकाल करके उसको लगाया, फिर से चालू किए। एक जना बोलो, हाँ बताइए। 4G सेट से पावर आईसी निकाल करके चालू सेट से और फिर से उसको लगाया। तो कौन सी आईसी निकाली आपने? पावर आईसी निकाल के वापिस लगाया। जी सर। चालू हुआ आपका मोबाइल? जी सर। क्या सिर्फ इनका चालू हुआ मोबाइल? किस किस का वजह हाथ करके बताइए। सबका चालू हुआ। यस सर। किसी का डेट हुआ क्या? नो सर। किसी का भी? नो सर। एनीवन? नो सर। कौन सा दिन है आपको एशिया टेलीकॉम में? तीसरा दिन सर। कौन सा दिन है? तीसरा दिन। आवाज नहीं आई। तीसरा दिन। तीसरे दिन में संभव है? यस सर। ऐसा संभव है? नो सर। एशिया टेलीकॉम में यहाँ संभव है सर? यहाँ झूठ बोल रहे हो आप। नहीं सर। स्कैम हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं सर। तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं हम? नहीं सर। पैसा लूट रहे हैं? नो सर। तीसरे दिन आईसी लगवा के मोबाइल चालू करवा के? नो सर। भाई दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ये काम एंड तक भी नहीं करवा पाते, पर वाकई आप तीसरे दिन आप ये काम कर रहे हो, आप सौभाग्यशाली हो। और कल क्या लगाओगे? कौन सा सीपीयू? कौन सा लगाएगा? लगा लोगे? यस सर। कितनी बार लगाओगे? चार बार, पांच बार? यस सर। पेट भर के? यस सर। कोई सी आईसी बाकी रहेगी क्या? नो सर। कोई सी भी आईसी? नो सर। बात करूं सीपीयू की? यस सर। बात करूं पावर की? यस सर। बात करूं ईएमसी की? यस सर। सर हम बोर्ड में एक भी आईसी नहीं छोड़ेंगे। यस सर। हर आईसी को निकाल के मोबाइल डेट करेंगे और फिर वापस से चालू करेंगे। यस सर। तो ये तो आपने सुबह का कंटेंट बताया, कब का बताया? सुबह का, मॉर्निंग का। यस सर। मॉर्निंग कितनी बजे से कितनी बजे तक का? 8 से 11 बजे। 12 बजे है ना? 11 बजे आपका क्या हुआ था? लंच। सर कब आ गए थे? 12 बजे। 11:30 को आपका क्लास चालू हो गया था। कितनी बजे? 11:30 को आपका क्लास चालू हो गया था। तो 11:30 से लगा के 6 बजे तक क्या कहानी हुई आपके साथ? ये क्या होता है थोड़ा बताएंगे आप मेरे को? आईसी का पहचान करना है सर। कौन सी आईसी कहाँ पर है? ये कौन सा कोर्स है भाई? आईसी पे कौन से ये कहाँ लगाए? एक आईसी से ऐसे टेलीकॉम का कोर्स है ये सर। एशिया टेलीकॉम का कोर्स है? यूनिक। ये कोई कॉपी कट कंटेन है क्या? हेलो सर। कोई कॉपी कट कंटेन है क्या? नो सर। इस क्लास का क्या फायदा हुआ आपको? हम सीपीयू देख कर बता सकते हैं उसमें कहाँ पर कौन सी आईसी लगी है, कौन सी नेटवर्क सेक्शन में कौन सी आईसी है, सब बता सकते हैं सर। किस कंपनी के काम कर रही है? यस सर। किस आईसी को जंपर कर सकते हैं, किस आईसी को नहीं जंपर कर सकते, ये नॉलेज है आपके? है सर। तीसरे दिन में इतना नॉलेज? यस सर। गजब। तो अगर मैं बोलूं आपको कि ये आपका जाइनोक्स का मोबाइल है आपके पास, जाइनोक्स मतलब सैमसंग का सीपीयू है, आपने सीपीयू देखा? जी सर। तो तुम फर्स्ट पावर बता सकते हो? यस सर। मेन पावर बता सकते हो? यस सर। आरएफआईसी बता सकते हो? पीएफओ बता सकते हो? चार्जिंग आईसी बता सकते हो? और वाईफाई आईसी बता सकते हो? ऐसा कैसे संभव है भाई? मैं ललित आपसे पूछना चाहूंगा, ललित कहाँ से आया हुआ? सर राजस्थान से। राजस्थान से। तो ललित अगर मैं बोलूँ कि ये मीडिया टेक का 6-7 सीपीयू है, हेलो क्या है? मीडिया टेक का 6-7 सीपीयू है, ये 4G होता है ना? यस सर। 6-7 मतलब 4G होता है। तो खाली सीपीयू देख के बाकी आईसी बता दोगे? यस सर। मेन पावर? यस सर। चार्जिंग आईसी? लाइट आईसी? वाईफाई आईसी? सेकंड पावर? फर्स्ट पावर? फर्स्ट पावर की पहचान? वाईफाई की पहचान? आरडीओ आईसी की पहचान? आरडीओ की आईसी की पहचान कौन कौन कर सकता है? हम सर। सब कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्वालकॉम का सीपीयू है तो वाईफाई आईसी कौन सी होगी, आप बता सकते हो? यस सर। हेलो। यस सर। आप बता सकते हो? यस सर। सब बता सकते हैं? यस सर। तो भाई आज तो कितने दिन हुए यार, मतलब आपकी क्लास हुई 28 तारीख को, एक 28, आज 29 और 30, कितना काम कर लिया आपने? अच्छा ये जो क्लास सर ने दिए, देव सर ने दिए, ये इनके जीवन की कमाई है। क्या है इनकी जीवन की कमाई? उनके पूरे जीवन का निचोड़ है, जो निचोड़ को कहाँ डाल दिया आपके सामने? सामने डाल दिया। यस सर। है ना कि ये लोग भाई मेरे जो आज तक पढ़ाई उसका पूरा निचोड़ है।
तो ये कंटेंट कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या बोलोगे देव सर के लिए? बहुत सर। जिस इंसान ने तीन बुक लिख रखी है, पीछे दिख रहे हैं आपको? यस सर। जिस इंसान ने तीन बुक लिख रखी है आपके सामने, है ना, उस टीचर से पढ़ना है सर, उस टीचर से पढ़ रहे हो आप, तो नॉलेज की किसी प्रकार की कमी नहीं, कमी नहीं, भरा हुआ समुंदर है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है कि तुम कितना ले सकते हो, आप कितना ले सकते हो। ये पूरा भरा हुआ समंदर है, जितना आपकी मर्जी हो, जोन सी पाइप लाइन लगाना हो, जितने हॉर्स पावर की मोटर लगाना हो लगा लो आप, है ना, आप मोटर लगा लो, जितना पानी आपको खींचना है ले सकते हो, उतना ले सकते हो, ठीक है। हर कोई चाहेगा ना 100% लेके जाए, सब चाहते हैं ना, आप 100% लेके जाना चाहते हैं जब भी क्लास में ये टाइम पे हो, समझ में आ रहा है? 11:30 आउट ऑफ 11:30 कितने घंटे की क्लास? 15 घंटे की क्लास। तो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, और अभी फिर उसके बाद दोपहर में देव सर की क्लास के बाद, यस सर, जो आपकी क्लास हुई है वो काय की क्लास आधे घंटे का? नो सर। एक घंटे का? नो सर। दो घंटे का? नो सर। तीन घंटे का? नो सर। चार घंटे का? नो सर। कितने घंटे? सर जितना टाइम लगा उससे डेढ़ गुना ज्यादा, जितने सुबह क्लास से डेढ़ गुना ज्यादा। तो देव सर ने जो क्लास रखी है आपकी प्रैक्टिकल की, ये गलत रखी है कि सही? नहीं सर, और बढ़ाना चाहिए टाइम। क्या सही रखी कि गलत रखी? बताइए मेरे को, सही रखी है? तो सर ने आपको आज और एक काम किया है क्या? स्केमेटिक बनाना सिखाया? स्केमेटिक बनाना सिखाया? स्केमेटिक को क्या अभी आज के नाम में क्या बोलते हैं? बोर्नियो। तो सर वो थोड़ा बताइए, आपने आपकी कॉपी के आपके हाथ में क्या है? नाम बताओ इसका, क्या है? ये डायग्राम चित्र क्या बना रखे हैं भैया? क्या बना रखे हैं ये? ये इनको जरा क्लिक करें, इनको क्लिक करें, इनको क्लिक करें, इनको क्लिक करें, और थोड़ा सा आगे आऊंगा मैं, इनको क्लिक करें, इधर इनका डायग्राम देखें। मैं सर से बोलना चाहूंगा, सर थोड़ा सा झूम करके बताएं तो वाकई में सही बने हैं कि नहीं बने हैं, कि फेक बने हैं, कि क्या है क्या नहीं है, और सर ने किस लेवल से पढ़ाया? बढ़िया सर। तो इस लेवल से आप पढ़े हो, आप इस लेवल से आप पढ़े हो? यस सर। क्या आज डायग्राम बना रहे हो? तीसरे दिन डायग्राम बना रहे हो? यस सर। ये कल्पना की थी क्या आपने? नहीं सर। बताइए, मैं कोई सोच के आया था? ये घर से सोच के आया था कि तीसरे दिन मैं ड्राइंग करूंगा? बताइए मेरे को, नहीं आए थे सर सोच के आप? उसके बाद आपने ये काम किया? जी सर। और अभी एंड में अभी क्या था आपका? मैं अगर ट्रेसिंग बोलूं तो आप पेड लाइन, मतलब ट्रेस पॉइंट से आईसी के पेड लाइन से एंड आईसी का जो रिजल्ट है वहां तक ट्रेस कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं? कर सकते हैं? सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, एक रजिस्टर का काम क्या है, डायोड का काम क्या है, और एक कॉइल का काम क्या है? सब पता है सर। सब बता सकता है? सब बता सकते हैं? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। विदाउट स्केमेटिक? यस सर। आपने ट्रेस किया? यस सर। कौन सा सेक्शन ट्रेस करा आपने? ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन ट्रेस किया? यस सर। ये भी तीन दिन के अंदर कर लिया? यस सर। गजब हो यार तुम। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ये नाम बताइए। नवीन कुमार सर, बिहार से। नवीन कुमार जी बिहार से। नवीन ये बताइए मेरे को कि तीन दिन की क्लास क्या लेके आए? जी सर, तीन दिन की क्लास में क्या क्या लेके बैठ गए तुम? बहुत कुछ लिए हैं सर, इस बीच में जैसे आईसी का निकालना लगाना, चालू सेट में जो है आईसी बदलना, ये सारा कुछ सीखे हैं सर। ट्रेसिंग करना करके बैठे हो, ये लोग आपको फर्जी बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कमेंट आ रहे हैं, बोले फर्जी है ये। नो सर, ये फर्जी क्या बोलेंगे इनको, ये मेरे को लिख के आ रहा है, बोले कि ये फर्जी है, जबरदस्ती है। ऐसा सर, जिसको अगर फर्जी लग रहा हो तो एक बार यहाँ आकर के देख ले, एशिया टेलीकॉम में चार दिन की गारंटी भी है। चार दिन की गारंटी है, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे देने के बाद। जी सर। क्यों है बाद में? भाई तेरे को नहीं समझ में आ रहा तेरी फीस वापस? तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आज चौथा दिन किस किस को वापिस चाहिए पैसा? एनीबॉडी एनीवन? नो सर। तीसरा दिन है सर।
चौथा नहीं है, तीसरा, तीसरा ही दिन जी सर। सुनील मैं भूल गया था, मेरे को लगा चौथा दिन है। तीसरा दिन, तीसरा दिन हमने चौथे दिन पूछने का बोला था, आज तो तीसरा ही दिन है। यस सर, तीसरा दिन। तो नवीन ये बताओ मेरे को कि ओवरऑल आज आपको जो एंडलेस बिना सब्जेक्ट वाली आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास मिली, उसके बारे में देव सर के सानिध्य में क्या बोलना चाहेंगे? सर सोचे नहीं थे, जितना आसान तरीका से बता दिए कि एक आईसी को देख करके उसमें लगे हुए हर एक आईसी को आप पहचान सकते हैं, ऐसा जो है थ्योरी मिला। तो ये तो बात उसकी हो गई। वो इसके बाद अब यही चीज़ अगर आप कोई गलती से, अगर आप किसी कारण से आपका एशिया टेलीकॉम से आपका संपर्क नहीं हो पाता जी सर, और आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, तो ये चीज़ें आपको मिल पाती है? नहीं सर, संभव नहीं था, नहीं संभव। ये चीज़ें आपको मिल पाती है? नहीं संभव। ठीक है, और मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए। तो ये बताइए सुनील, आज आपका तीसरा दिन एशिया टेलीकॉम में, शुरुआत बताइए मेरे को सर, दोपहर में क्या हुआ फिर बताइए, और शाम को क्या हुआ वो बताइए। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सेट था, जो लाइव किया था मैंने। हाँ। मॉर्निंग टाइम में। हाँ। 5 बजे जिंदा सेट था, उसको लाइव दिखाया भी था। हाँ। फिर उसका पावर आईसी निकाल के उसको रिवॉल्व करके उसको जिंदा करके फिर दोबारा दिखाया सर, खुद का अपने सर, बढ़िया लगा, कॉन्फिडेंस था अभी। 14-15 घंटे की क्लास है सर, 15 घंटे के बाद भी अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी अभी भी बची है, ख़त्म नहीं हुई है सर। उसके बाद देव सर की क्लास थी जी, तो उन्होंने आईसीयू की जो पहचान बताई ना सर, मीडिया टेक के सर, वो नंबर ना जैसे मीडिया टेक का 62, 65, 67 और फिर उन्होंने बोला 62 के बाद लड़ी आएगी पीएमआईसी की आपकी, वो 63, वो अभी भी ना माइंड में घूम रहा है वो, कह रहा उसका क्वालकॉम क्या बताया, सॉरी डीएसएम एसएमडी और एसएम का सर, वो अभी भी ना माइंड में, जैसे उन्होंने जिस हिसाब से थ्योरी प्रैक्टिकल करके हमें दिखाई ना, समझाया हमें, वो हर एक चीज़ माइंड में अभी भी ना घूम रही है, जैसे सर्कल बना होता है ना वैसे दिमाग में चल रही है सर अभी। सुनील ऐसा तो नहीं किया कि सर ने एक डायग्राम बना दिया हो, ऐसा डायग्राम बना दिया और ये आती है कहानी खत्म, इधर आके सर ऐसा हाथ बांध के बैठे, एक एक बात हो, हर चीज का प्रूफ था उनके पास, प्रूफ के साथ एविडेंस थे कि नहीं उसके, एक एक चीज बताई सर, पीएमआईसी क्या उसका ऊपर लिखा है उसको आप देख सकते हो, ये पीएमआईसी है, ऑडियो आईसी है, उसी के बीच में ऑडियो भी है। क्या ये आईसीयू में कुछ वर्जन होते हैं क्या? ये सर बहुत है सर, बहुत वर्जन होते हैं, उनकी पहचान नहीं पकड़ने की, नहीं उनकी पहचान बताई ना सर ने। अच्छा। वो अभी भी माइंड में चला हुआ है ना, जो कमी अगर रह भी जाती है तो वो प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे भी आके 5 बजे वही सेट जो सुबह जिंदा किया, जिंदा करके मारा उसको, फिर जिंदा एक बार फिर किया सर, और वापस मार दिया सर, 3 बार किया सर उसका आईसी निकाल के ना, अभी भी जिंदा है वो, अभी भी मेरे बैग में है वो, बैग में पड़ा है ये सर, ये मैंने 3 बार इसको। अब सुनील कोई पंजाब से तुमको देख रहा होगा ना तो वो बोलेगा, बोले कि ये फेक रिव्यू दे रहा है सर, फेक रिव्यू दे रहा है। आपको ये बोल रहा होगा कि फेक रिव्यू दे रहा है, दम नहीं है बातों में, एशिया टेलीकॉम में रात को बिरयानी खिला दी होगी इसको। नहीं सर, फेक क्यों देना है, हम यहाँ पे कोई घूमने थोड़ा ना आए, आए भी हैं तो पोस्ट दे के आए हैं ना यहाँ पे, तो जितनी हमने कोस्ट दिया उससे 10 गुना ज़्यादा हमें मिल भी रहा है, नॉलेज भी मिल रही है सर, झूठ क्यों बोलना। जो एक साल, मैं दावे से बोलता हूँ, जो एक साल का अगर 5 साल का 10 साल का पुराना बंदा जिसने नॉलेज दिया, जिसको 10 साल दुकान, मेरे बराबर आ जाए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक बार क्लिपिंग बनती है इसके लिए, जो रह भी बाकी का सर बचती है ना वो प्रैक्टिकल होता है, एक बार ताड़ियां तो सर के लिए भी बनती हैं, जिस हिसाब से सर समझाते हैं। ये सर का, ये देव सर का कंटेंट, मैं क्या हूँ, देव सर मेरे को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, मैं जो तुम्हारे सामने करता हूँ ना, हेलो मेरी कोई ताकत नहीं, जितनी चाबी भर के पहुँचाते हो उतनी। नहीं सर, चाबी की तो बात है, लेकिन जो आप में आपका कॉन्फिडेंस है ना, कोई जैसे मान लो स्कूल में पढ़े हैं, कोई बच्चा लायक भी होता कोई ना लायक भी होता, लेकिन टीचर कब तक सहन करेगा उसको, कभी तो डंडा उठाएगा ना, मैं पागल थोड़ा ना हूँ, घर भी देखूँ तेरे को भी देखूँ, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन हुआ, 2 बार हुआ, तो जब मन कर रहा हूँ उठा के आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन करने, लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी बार आपसे पूछो आप संतुष्टिजनक मिलता है जवाब,
ये नहीं है कि क्या यार तू बार बार आ रहा है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं। सर कितनी बार एक चीज को समझा सर, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, उनकी गिनती नहीं पर बाकी मेरी क्या है, आपकी भी गिनती नहीं है। अरे हमारी गिनती है, उनकी तो गिनती नहीं है, आपकी भी कोई सर की गिनती नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर उनकी गिनती समझाने की। और सारी चीजें हमको समझा के पहुंचाई जाती है कि बच्चे को, ये बहुत दूर से आए बच्चे, जैसे सुनील पंजाब से आया है, रोहित वेस्ट बंगाल से आया है, ये उड़ीसा से आया है, ये राजस्थान से आया है, वो वेस्ट बंगाल से आया है, ये उड़ीसा से आया है, ये एमपी से आया है, वो बिहार से आया है, है ना, ये नेपाल से आया है, उधर एक और नेपाल से आया है, है ना, ये सब बहुत बाहर से आए, महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र से आया, एमपी से आया है, उधर बैठा है वो वहां से वेस्ट बंगाल से आया है, और वो भाई आया गुजरात से, थोड़ा आ गया भाई, ये आया गुजरात से, इतनी दूर से आए, मैं इनके चेहरे लटके भी नहीं देख सकता, इनको संतुष्टि रोज संतुष्ट करना मेरा काम है, मैं इस काम से पीछे नहीं हट सकता। अगर 2 बजे रात तक भी क्लास चलेगी तो मैं दूंगा, अगर तुमने अगर बोल दिया कि सर समझ में नहीं आया तो ये क्लास 2 बजे रात तक भी खत्म नहीं होगी, समझ में आया? यस सर। ये सर का कमेंड है, क्या है? कमिटमेंट है आपके साथ सर का, अगर ये क्लास अगर आपको 2 बजे रात तक समझ में नहीं आएगी तो 2 बजे रात तक भी चलेगी। जी सर, आज मेरे से फोन बन नहीं रहा, टेबल पे बिठा के सर ने सिखाया मुझे, साथ बिठा के तो चालू कर दिया सर। अब वही काम कितनी बार कर सकते हो आप? वो 4-5 बार, उसके बाद 2 बार, बार कर सकते हो। दिमाग में तरीका आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। यही तो एशिया टेलीकॉम है भाई। सुनिए ठीक है, मेरे साथ नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, बताइए। सर मैं महाराष्ट्र से सचिन। सचिन बताइए क्या क्लास थी आज हमारी, कैसा लगा आपको? सर लाइव पावर आईसी निकाल के बिठाने का था चालू बोर्ड में, तो मैंने वो कर दिया सर। इसके पहले कर पाते थे कि? नहीं सर, कभी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता था सर। तो उसके बाद इसके साथ क्लास थी, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी। देव सर के साथ आईडेंटिफिकेशन पहचानने की सर, पहचानने की क्लास थी। तो कैसी लगी क्लास? बहुत जबरदस्त सर, वो सीपीयू देख के पूरी आईसी मैं पहचान लूंगा सर। अच्छा, मैं बोलूं कि सीपीयू की पूरी बाल बना दो आप कॉपी पे, तो बना सकते? हाँ बना सकते सर। पावर उसके बना, नंबर तो बना सकते, बना सकते, सकते। डायग्राम है आपके पास? बताइए मेरे को, आज आपने बनाया डायग्राम? हाँ सर, ये पावर आईसी का डायग्राम है सर। जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी मजाक नहीं होता है सर, जो यहाँ पे होता है रियल होता है, और रियल बात ये कही जाती है। अच्छा बताओ मेरे को, कोई ऐसा स्टूडेंट है आपके बीच में जिसने डायग्राम नहीं बनाया आज? नो सर, सब बना के बैठे हैं। सबके सामने एविडेंस है सर, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे भाई ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे आप? सर जबरदस्त सर, एकदम देव सर की नॉलेज को कोई तोड़ नहीं सर, क्योंकि वो जो समझाते है वो स्टूडेंट के दिमाग में फिट हो जाता है सर। तो आपने आईसी उठा के पूरा डायग्राम भी बनाया, एक आईसी का रिसीवर टेक्सटन का आपने आईसी उठाया, और एंडलेस फाइल क्या होता है ये आज को मालूम पड़ा? हाँ सर, हाँ सर। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं सर, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना। चलिए ठीक, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल रोहित। हाँ रोहित बताइए। तो रोहित आज आपकी क्लास थी? यस सर। तो कैसा लगा आपको क्लास? आपको जो नॉलेज मिला है आईसी आइडेंटिफिकेशन का, कैसा मिला है? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा मिला है? यस सर। क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, क्या बोलना चाहेंगे, किस लेवल का नॉलेज मिला? इस लेवल का नॉलेज था आपको पहले कभी? ना सर। नहीं तो क्या बोलना चाहेंगे आप, थोड़ा बोलिए अपनी भाषा में। अगर हिंदी में बोलते नहीं आता तो अपनी भाषा में बंगाली में बोलिए आप। बनने के सर कोई बोलिए अपनी भाषा में, बोलिए अपनी भाषा में, जो यही आना चाहिए वो आ सकते हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उमाकांत उड़ीसा। उमाकांत आज की क्लास देव सर के साथ आईसी आइडेंटिफिकेशन की, क्या बोलेंगे आप? ऐसे अच्छे समझाया था, सीपीयू देख के कोई वो हम लोग सेट को देख के नहीं पहचानेंगे, वो सीपीयू देख के सारा चीज बता सकते। एक सीपीयू को देख के हम सारी आईसीयू के बारे में बता सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है? हाँ। अच्छा, तो आप आईसी की पेडलाइन बना सकते हो? हाँ बनाया बनाया भी है। हाँ। जैसा आप देख सकते हैं उन्होंने आईसी का पेडलाइन भी बनाया, तो कैसा लग रहा है आपको? आपने जैसे ये पेड लाइन बताया था, हर कोई सेक्शन का मैं पेड लाइन बना सकता हूँ? हर सेक्शन का? हाँ सर, हर सेक्शन पूरा समझ में आ गया? हाँ सर, अंदर दिमाग तक उतर गया? हाँ पूरा उतर गया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम आशिक, मैं कश्मीर से हूँ सर। हाँ सर, सुबह जो हमारी क्लास थी वो लाइव सर हमने जियो फोन का वो पावर आईसी निकाल के फिर दिखा दिया सर। प्रैक्टिकल कराया? प्रैक्टिकल भी कराया। प्रैक्टिकल करा? जी सर। तो मैं देख सकता हूँ प्रैक्टिकल? यस सर। थोड़ा क्या कराया तुमने, क्योंकि बोलने में और करने में दोनों में फर्क है ना सर।
हाँ इनका एक फ़ोटो भी ले लेना है ना, या फोटो चालू में लाइन में फ़ोटो ले लेना इनका, है ना। तो ये लेवल तीसरे दिन सर एशिया टेलीकॉम में सर सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ ऐसी ट्रिकें मिलती हैं जो इंसान को मेरे मतलब हैंग कर देती है, तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो सर जी नाम प्यारुल वेस्ट बंगाल से। जी ये आपको सर दीपक सर लेंगे, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट और हैं, चलिए इनसे बात करें। आज क्या क्लास थी आपकी? सुबह में फर्जी जी सेट का पावर निकाल के लगाना था, वो लगाया दो बार। और उसके बाद की बात करें तो देव सर के साथ में आपका सेकेंड मीटिंग में जो क्लास हुआ है आईसी आइडेंटिफिकेशन का, तो कैसा लगा आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास? बहुत ही डीप नॉलेज मिला। डीप नॉलेज मिला? यस सर। तो अभी आप सीपीयू देख के आप पावर आरएफ वाईफाई ये सब सारी आईसी आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? सब कुछ बोलूंगा सर। सब कुछ बता देंगे? यस सर। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपके हाथ में क्या है? ये डायग्राम है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है? डायग्राम है। ये आईसी के पैड से लेके आप टिप्स तक आप डायग्नोस कर पाएंगे कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है बीच में? यस सर। बता पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देख के कोई ज्वाइन करना चाहता हो? इधर आओ, आके ज्वाइन करो। ज्वाइन करें? चलिए ठीक है। पैसा वसूल हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कौन है भाई, आ जाओ सामने, एक एक करके आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनीष परनवाल फ्रॉम बिहार। बिहार से हैं आप? तो ये जो आपके हाथ में है ये कॉपी में क्या क्या है बताइए? हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम बनाया ये बस आप इसी आईसी का बना पाएंगे, बाकी आईसी का भी आप बना पाएंगे? हमको जितना भी आईसी मिलेगी इस डायग्राम के साथ हम सारे मतलब आईसी की हम जाँच कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, सुबह में आपने चालू फोन से पावर निकाल के लगाया था, फोन चालू किया था? चालू 4G फोन से हमने आईसी निकाला, उसको डेट किया, फिर उसके बाद से आईसी लगा के हमने उसको चालू किया सर। सेकेंड मीटिंग में आपका क्लास हुआ था देव सर के साथ कि जैसा कि तीसरे दिन की क्लास है, और तीसरे दिन की क्लास में हम आपको ये बताते हैं आईसी आइडेंटिफिकेशन। तो मतलब जाइनोक्स हो या फिर क्वालकॉम हो या फिर मीडियाटेक हो या फिर एसपीडी हो, स्पेक्ट्रम जैसा कि हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसपीडी बोलते हैं हम, तो अभी इसके बारे में आपको पता है कि किस तरीके से आपको सीपीयू देख के पावर आईसी हो, आरएफ आईसी हो, वाईफाई आईसी हो या फिर आपका आरडीओ आईसी हो? आज के पहले तो हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब हमको उतना नॉलेज हो गया देव सर के तहत कि कोई भी आईसी को हम थोड़े से झटके में देख नजर से पहचान सकते हैं, उसकी सीरीज मालूम कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट भाषा क्या है, सब हम उसकी जानकारी हो चुकी है। हो चुकी है ऐसा नॉलेज आपने कभी यूट्यूब पे भी देखा है? ये सब नॉलेज YouTube पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हम जिसको भी कहेंगे जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वो YouTube के तहत ना आए, आके खुद देखें अपने आंखों से। यहाँ पे तो शर्त रखी गई है कि अपना पैसा अगर चार दिनों में अगर नहीं अगर संतुष्टि मिलती है तो अपना पैसा लेके जा सकते हैं, हमसे हर रोज बोला जा रहा है। चलो मैं तुमको भी ऑफर दे रहा हूँ, आप चार दिन हो गए नहीं समझ में आ रहा आपके पैसा वापस ले। नहीं सर, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इतना यहाँ पे काम इतना मतलब सिखाने की। अच्छा ईमानदारी से ये बताओ, जो तीन दिन में आपको मिला है अगर इतना ही नॉलेज आपके पास होता तो एशिया टेलीकॉम आते क्या? नो सर, कभी नहीं आते। हम ऐसे महसूस हो रहा है एवरीवन क्वेश्चन नहीं आते। नो सर, नहीं आते ना? तीन दिन में आपको पूरी फीस का तीन दिन में तो हमको लग रहा है कि हमारे फाइनल पैसा वसूल हो गया है। तीन दिन का काम कोई अदर इंस्टीट्यूट वाले एक महीने में भी नहीं सिखाएंगे। लोग तीन तीन महीने की लोग रखे हैं लोग भाई, वो सब बेकार की है जो भी इंस्टीट्यूट है। सर देवरतन अग्रवाल सर कितने रिलायबल पर्सन है आप थोड़ा बताएंगे उनके बारे में? उनके बारे में जितना ही बताएं उतना कम है, उनमें तो उतनी क्षमता है कि जितना एनर्जी निकलता है उससे कहीं ज्यादा उनका एनर्जी बढ़ते जाता है। सही बात है, रॉकेट बोल सकते हो उनको? उनको रॉकेट बोलिए, रोबोट बोलिए या ऐसे बोलिए, उनके ब्लड में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनिक संचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन संचार करते हैं। यस सर। तो भाई कुल मिला के ये तीन दिन की क्लास, आज की क्लास देव सर के साथ, टोटल ओवरऑल कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मतलब बहुत अच्छा रहा, जितना सोचे भी नहीं थे उससे कहीं लाख गुना ज्यादा था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ये नाम बताइए अपना। संदीप सर, नेपाल से। संदीप नेपाल से, दिल्ली पास में था, यूपी पास में था और भी बहुत सारी जगह थी, तुम्हारे कनेक्शन तो पुर्तगाल तक फैले हुए हैं, है ना? तो फिर भी जबलपुर आया हो, तो जबलपुर आके क्या मिला आपको? बहुत नॉलेज मिली है सर, चाहो तो अपनी भाषा में बोल सकते हो। बोल सकते हैं क्या? हाँ देरे बोलिए बोलिए, नेपाली में बोलो अपनी भाषा में।
आता है हमको, बोलिए बोलिए है ना, नेपाली में आता है, बोलिए। यदि तपाईहरु मोबाइल संबंधी काम गर्नुहुन्छ भने, मोबाइल संबंधी के कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने एसिया टेलिकममा आउनुस्। तपाईको यति सम्मको डीप लेभलको काम सिक्न मिल्छ कि कुरै छोड्दिनुस्। अब के भनौँ, जति भन्यो त्यति नै कम छ कि यसको लागि त। तो पाइपलाइन के बारे में बताइए, पाइपलाइन के बारे में जो सर ने आपको बताया क्या है ये? आईसी की पैड है सर। आपने पाइपलाइन तक बना लिया? बना दिया। तीसरे दिन ये संभव है क्या? चलो एशिया टेलीकॉम में संभव। डबल डेकर सीपीयू रिवाल करा समझ में आता है, कंपोनेंट समझ लिए समझ में आता है, ये अंदर की चीज है, ये बड़े बड़े टीचर नहीं बना पाते हैं, इसको पढ़ नहीं पाते हैं। आप बना के बैठ गए, क्या लेवल है आपका? वो तो एशिया टेलीकॉम की एक बार आजमा के देखिए, वो तो पता चलेगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है विक्की, थोड़ा आगे आ जाओ। वाल्मीकि इधर आ जाओ, इमरान इधर आ जाओ। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम वाल्मीकि है जी। और आज तीसरा दिन है जी। तीसरा दिन में जितना नॉलेज मिला है वो शायद 10-15 साल से भी जो टेक्नीशियन काम करते रहेंगे उनको मिलने वाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, जो आना चाहता है, जिसको नॉलेज नॉलेज चाहिए, वो एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करे। ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, जो रियल है सच है, हम खुद अपने ही अंग अंग में निभा रहे हैं। अभी जो अभी मैं नहीं, पूरी की पूरी लोग ही, पूरी पूरी स्टूडेंट ही वो बताएंगे। और किसी भी स्टूडेंट इतना संतुष्टि है आप खुद ही देख सकते हैं, जो इधर बहुत खुश है। आज के जो क्लास था वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक ही चीज़ बोलता हूँ, आने का एक मकसद है, मैं सर का एक ही वीडियो देखा कि टेक्नीशियन को बोलता हूँ, अगर आपका सब में कोई भी मोबाइल आया वो मोबाइल रिटर्न नहीं जाएगा, उसका गारंटी लिख के देगा फोन पेपर में। तो इसके लिए ही मैं एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया हूँ। और सर के जो एक्सपीरियंस है वो तो दाग देने की बात है, जिसका कोई तोड़ नहीं है सर का। चलिए ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम विक्की कुमार, कोलकाता से सर। हाँ विक्की, बताइए भाई, तुम तो सीपीयू लेवल पे काम करते थे, आईसी लेवल पे भी काम करते थे। देखो क्या होता है, स्टूडेंट जो यहाँ पर एशिया टेलीकॉम आते हैं, हर प्रकार के बच्चे पढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये सीपीयू पे भी काम कर लेते थे, एमएमसी पे भी काम कर लेते थे। आप सीपीयू निकाल के लगा लेते थे, आप एमएमसी भी निकाल के लगा लेते थे, है ना? तो फिर एशिया टेलीकॉम में क्यों बैठे हो भाई? बेसिक मेरा बहुत कमजोर क्या था ही नहीं कुछ। अच्छा, बेसिक को मजबूत करने के लिए आए हैं। हाँ, इसलिए बेसिक मजबूत होगा तो मैं और अच्छा से काम कर पाऊंगा। अच्छा, तो जो आपके पास जो आपकी जो स्किल थी सीपीयू और एमएमसी निकाल के लगाने की, तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सर इतनी चीज़ें ऐड हुई है इसके, बहुत सारा चीज़ें ऐड हो गया। और सीपीयू एमएमसी हम काम कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट का नॉलेज नहीं था, उसको सीपीयू भी नहीं कर पा रहे हम। अच्छा, इसका चलते तो हम पास समझ में आया कि कितना ज़रूरी है बेसिक सीखना, ये सब तो हम सीखे, हमको बहुत अच्छा लगा और आगे भी मेहनत करेंगे इसी तरह से। ये कॉपी में और आज हमने आईसी का डायग्राम बनाया, स्पीकर सेक्शन भी निकाले, तो एंडलेस सॉल्यूशन मिला आपको। सॉल्यूशन मिला था। और जो देव सर के साथ आपकी क्लास हुई है, अभी जैसे तो नई नई पीसीबी आती थी तो हमको समझ ही नहीं पड़ता था कि कौन सा फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है। अगर चार पीएमआई लगी है तो चार पीएम का काम क्या है, तीन पीएम का काम क्या है, डबल पावर का काम क्या है ना? और आने वाले टाइम में आपको चार्जिंग में डबल बैटरी का सर्किट भी मिलेगा। काय का मिलेगा? हेलो, यस सर, काय का सर्किट मिलेगा आपको? डबल बैटरी का सर्किट सर, वो भी एक्सप्लेन करेंगे, सिंगल बैटरी का सर्किट भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना? सैमसंग में आपकी चार्जिंग कैसे काम करती है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। मतलब यहाँ पर ज्ञान का खजाना है सर, आपके लिए तैयार रखा हुआ है। बस आप दिन का इंतजार करो कि वो दिन कब आएगा, उस दिन का इंतजार करो। तो ओवरऑल मैं तीन दिन का पूछना चाहूँगा आपसे, कैसा लगा क्लास? और स्पेशली आज आपने आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास, अब बोर्ड जाना पहचाना लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बोर्ड देखकर समझ में आ रहा है। पहले क्या लेवल था क्लास का देने का सर का? बहुत हाई लेवल था सर का। सर आज सीपीयू का बताया है कि सीपीयू देख के हम छोटा छोटा आईसी जितना लगा हुआ सबको हम खोज सकते हैं, क्योंकि किस सेक्शन में किस काम के लिए लगा हुआ है सीपीयू से ही समझ सकते हैं हम लोग। सीपीयू से समझ सकते हैं। तो बाकी आईसी क्या कौन सी लगी और क्या नंबर की लगी हमको पता चल जाएगा, क्या नंबर की लगी और कौन सी आईसी क्या कौन सी लगा सकते कौन लगा सकते सब पता चला। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम सीरीज वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। सीरीज बताइए जी सर, क्या ही बताऊँ? बताइए बताइए। पहले वो बोर्ड का कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है, मतलब बोर्ड देखते थे, सिर्फ मॉडल पता रहता था। अब तो नॉलेज इतना हो गया कि बोर्ड खोलो, आईसी देखो और क्या है आईसी है सब, ये सब पता चल जाता है।
तो वो तो ठीक है, बोर्ड का नॉलेज हो गया तुमको, तो आज आज जिस प्रकार से आपको नॉलेज दिया, आपको जिस तरीके से आज नॉलेज दिया, वो नॉलेज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। तो कोई कॉपी कंटेंट था, यूट्यूब का नॉलेज था? नहीं नहीं नहीं। कि निचोड़ था उनके सर के जीवन का? निचोड़ था सर के जीवन का, निचोड़ निचोड़ था। तो उसका बेनिफिट मिला हमको बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये बोलूँ, देखो बड़ी बात होगी, हेलो क्या बड़ी बात होगी, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर इंडिया में, हेलो यस सर, अगर इंडिया में एशिया टेलीकॉम नहीं होता तो क्या बच्चों को इतना बढ़िया नॉलेज मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता क्या? नहीं सर। इतनी सक्सेस स्टोरी होती, आप दुकान खोल के पैसा कमा रहे हैं, आपको तीन दिन में क्या लगा? अगर मैं तीन दिन के बाद भी आपको घर भेज दूं तो उसके बाद आप क्या कमा सकते हो? आप पैसे बहुत कुछ कमा सकते हैं, भी बढ़ गया है। अभी 27 दिन बाकी है, अभी आपके कितने दिन बाकी है? अभी खाली 3 दिन हुए हैं और 27 दिन बाकी है आपके। अगर मैं तुमको आज मना कर दूं तो मतलब तो भी कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? वो चीज मिली है आपको, फाइट करने वाली चीज मिली है? वो बार बार दिक्कत आ रहा है उसको, कट रहा है क्या? हाँ बार बार कट रहा है। नेट वीक है सर जियो का। किसका? जियो का। दूसरा लगा दो ना, कोई एक वाईफाई दे रहा मेरे को कनेक्ट कर। कौन सा है तुम्हारा? वन प्लस रोड सिक्स नहीं आया तो व्यूअर्स आई एम सॉरी, ये बार बार नेट रिकनेक्ट हो रहा है, अभी भी रिकनेक्ट हो रहा है ना, ये बार बार लाइव से हम जा रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहा है, ना ही नेट की क्वालिटी अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, हम फिर भी प्रयास करेंगे। तो ये बताइए मेरे को कि 3 दिन का नॉलेज, 3 दिन की क्लास क्या लेके बैठे हो भाई? 3 दिन का नॉलेज बहुत कुछ है सर, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, समुद्र मिल गया हमको। बहुत तो कितना निकाल सकते हो यहाँ से? जितना निकल जाए उतना। जी सर। तो आज स्कीमेटिक भी बना लिया आपने? जी सर। और क्या किया आपने? मैं ये पावर आईसी का डायग्राम बनाया। पावर आईसी का डायग्राम बनाया आपने? हाँ। पूरा पावर आईसी उतार दिया आपने यहाँ? जी सर। तो आपको बाल पढ़ने की कला ही किससे सिखाया ये? सर सब सर ने, पूरा ग्रुप। आपको अभी ये क्लास किसने दी है इसकी, ये आईसी पढ़ने की? देव सर ने दी है। ये नॉलेज लेवल वाला नॉलेज है कि नहीं? इससे आपको स्केमेटिक से और पीसीबी में आप सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। जी सर। है ना, ये आपने सीख के ये काम करा, आप पीसीबी को डायग्राम को दोनों को मैच कर दोगे। जी सर। उसको पढ़ने की आपको सेंस आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ललित। हाँ, ललित राजस्थान से भाई छोड़ के गया तुमको पहली बार घर से बाहर, 3 दिन का सफर और आज की क्लास देव सर के साथ, क्या बोलेंगे आप? सर ऐसा है कि बोलने को तो कोई शब्द है नहीं, इतना जो बोले ना वो भी कम पड़ता है सर। नहीं सर, में बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, वो बोलना तो पड़ेगा। जैसे मतलब 3 दिन में मुझे इतना कुछ सीखने में आ गया, जैसे ये समझो कि 50% कोर्स हो चुका है, मैं अभी भी जाके आया ना जैसे शॉप पे काम कर सकता हूँ सर, इतनी नॉलेज मिल चुकी है मुझे 3 दिन में, इतना कुछ मिल चुका है। हाँ सर। तो आज जो स्पेशली आपकी उसकी क्लास थी, इसकी स्पेशली आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी आपकी, तो कैसा है? एक आईसी क्या, एक सीपीयू को देख के आप सारी आईसी को बता सकते हैं जैसा सब बोल रहे हैं? हाँ सर, सारे जैसे अलग अलग कंपनियों के, जैसे मीडियाटेक, क्वालकॉम, सीपीयू को देख के हम सारी आईसी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, चलिए उनका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने डायग्राम बनाया, तो ललित बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया आपने, इसको डायग्राम को बनाने में मेहनत भी लगी होगी, समय भी लगा होगा, तो आप थक रहे हो क्या? नहीं 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 सर, ना थकने का काम हो ना ही, ये सर ये 5 मिनट का काम भी नहीं है डायग्राम बनाने का सर, अगर समझ में आ चुका होगा तो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाया है इन्होंने, इमरान जी। सर ये टीचर लेवल की मेहनत कर रहे हो तुम? तो नहीं सर, एक टीचर बनने की मेहनत कर रहे हो तुम? नहीं सर, सब एशिया टेलीकॉम को देन है सर।
तो ऐसा सोचा था कि तीसरे दिन आके देव सर की क्लास लूंगा और फिर जाके स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा। मैं सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद में इतना मतलब मैंने डीप लेवल का नॉलेज दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा सर। और आईसी बनाने का जो डायग्राम बनाए तो ये बताइए मेरे को कि आज की जो क्लास मिली है आपको, ये डायग्राम बनाने में कितना समय लगा? ईमानदारी से बताओ। 20-25 मिनट लगे। 25 मिनट में क्या पहली बार में आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो? नहीं सर, कभी नहीं। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? 25 मिनट आप जैसा आपने बनाया ही है यहाँ पर डायग्राम, तो आपको इस लेवल का नॉलेज मिला कि आप डायग्राम बना सकते हो? जी सर। थैंक यू वेरी मच। और कौन है भाई? मिंटू आ जाओ इधर, मिंटू आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन बचा इधर? तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। आपका? मिंटू कर्मकार, वेस्ट बंगाल। मिंटू क्या क्लास भाई आज? सर क्लास के बारे में बोले तो बहुत कम है, 4 साल से सर कम कर रहे हैं। करीबन 150 दिन होता है, करीबन 1460 दिन यहाँ पे आके 3 दिन में मिला सर। 3 दिन में मिला? हाँ सर। ईमानदारी से बोल रहे? ईमानदारी से बोल रहे सर, सच्ची में। और दूसरी बात करते सर, क्रिस्टल आईसी भी थर्मल होता है ये भी बात नहीं जानते, बूस्ट कॉल चेक होता है ये भी नहीं जानते, मीटर से मल्टीमीटर से ये कोई जानता था क्या कभी? नो सर। वेरी गुड। नहीं जानते थे? नहीं जानते थे सर। जो आप बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो ना मिंटू, ये मान के चलो ये टीचर नहीं जानते, जो तुमको पढ़ाया है ना ये टीचर नहीं जानते। सही में यही कारण है कि हमारे सर बोर्नियो में भूल मतलब गलत बता सकता है, देव सर का भी गलत नहीं हो सकता, इतना मतलब इतना हम समझ चुके हैं, प्रूफ करके दिखाए। तो जो सामने आपके सामने जो इंसान है, क्या लेवल है इनका? सर उसका लेवल हाई, सच्ची में हाई सर, उसका प्रूफ भी है, एक एक ही है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अब जब आप सर्किट को इतना ड्राइंग कर सकते हो तो क्या सर्किट को समझानी होगा सर? सर्किट से कहाँ से पॉइंट आ रहे हैं, मतलब अगर एयर स्पीकर के मतलब पॉइंट है तो कहाँ से आ रहे हैं ये बता सकते हैं सर। आईसी का नंबर देख के बोल सकते हैं वो ये ऑडियो आईसी उसके साथ ज्वाइंट है, पावर आईसी के साथ ऑडियो आईसी ज्वाइंट है, क्योंकि पहले नहीं जानते थे सर। पहले नहीं जानते थे? नहीं सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, खुशी बता रही है तुम्हारी कि बहुत कुछ मिला है तुमको। सर आईसी को कोई पता नहीं था, 3 दिन से आईसी का पता हो जाएगा मेरे को मालूम नहीं था। आईसी कोई भी मोबाइल दीजिए मैं आईसी सब बता सकता हूँ, कौन सा क्या आईसी है। मैं सैमसंग का भी बोर्ड दे दूँ तुमको, क्वालकॉम का भी दे दूँ, क्वालकॉम में एसएम भी दे दूँ, एसडीएम भी दे दूँ, और एमएसएम भी दे दूँ, और मीडियाटेक का भी दे दूँ, तो सब बता सकते हो कौन सी आईसी। खाली एक आईसी देख के सारी आईसी बता सकते हैं, इतना नॉलेज? यस सर, 3 दिन से पता नहीं चलता है, कभी सोचा नहीं था 3 दिन से हो जाएगा। और बात कहूँ तो पैसा का जो आपने वादा किया था रिटर्न कर देंगे 4 दिन से, कोई पागल आदमी है क्या पैसा लेंगे? कभी नहीं लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप यू एक टीपी ईमानदारी से आपके लिए।